हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगेटर सीबीगंज बरेली में। इसमें आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल। देखिए टॉपिक का नाम है आयत का क्षेत्रफल, और ये सिंपल क्षेत्रफल नहीं आपके लिए इसमें दिखाएंगे। पहले आपके लिए दिखाएंगे कि सिंपल क्षेत्रफल आयत का कैसे निकालते हैं, फिर ऐसे फिगरों के बारे में आपके बताने वाले हैं जिसमें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम आयत का क्षेत्रफल कुछ अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, कुछ अन्य फिगरों के बारे में भी जान रहे हैं। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल, सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर मैं एक आयत को फॉर्मेट करता हूँ, बनाता हूँ, देखिए आयत के बारे में जान लेते हैं। ये आयत हो गया एक, और इसमें क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाली साइडें इसकी बराबर होती हैं। तो मैं इसको बना लेता हूं ए बी और सी और डी। ये ए बी सी डी आपके लिए यहां पर हो गया रेक्टेंगल, और इसमें ये रहेगी लंबाई आपकी और ये रहेगी चौड़ाई, ठीक है ना। ये लंबाई रहेगी, ये चौड़ाई रहेगी, आपके लिए इसको निकालना है आयत का क्षेत्रफल। देखिए ये आपने खूब पढ़ा होगा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई और गुणा चौड़ाई, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखे यही सूत्र आपके लिए, आपने ये पढ़ा होगा हमेशा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन आज हम आपके लिए ऐसे फिगर बनाएंगे, आयत में ही फिगर बनाएंगे जिसके आधार पर आपको चित्र को देख करके उसका आयतन, उसका जो है क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले एक सिंपल सवाल करवाते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर इनके फार्मूलों को जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आयत का क्षेत्रफल आपको बता दिया, एक फार्मूला तो ये आयत से रिलेटेड हो गया, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला आयत से रिलेटेड क्या होगा, इसका परिमाप। तो मैं लिखता हूं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का जब आप परिमाप निकालोगे तो आप देखो ये लेंथ है, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की दूरी लिखना। तो आप ये देखिए यहां से यहां तक एल लंबाई है, तो मैंने एल लिख दिया। फिर यहां से यहां तक बी है, तो बी लिख दिया। फिर यहां से यहां तक एल होगा, ये भी एल होगा, तो मैंने एल लिख दिया। फिर यहां से यहां तक बी होगा, तो मैंने बी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके लिए कितने एल हो गए, L, और L कितना हो गया 2L, और प्लस B, और B कितना हो गया, तो हो गया 2B। तो यहां पर दो आपने यहां कॉमन ले लिया, बचा L प्लस B, इसलिए यहां पर इसका आयत का परिमाप जो होता है इसे P से लिखते हैं, तो P बराबर आ गया आपके लिए 2 गुणे L प्लस B, ये आ गया। यानी परिमाप बराबर आपके लिए आ गया, क्या आ गया, मैं लिख भी देता हूं हिंदी में भी, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो ये यहां पर फार्मूला हो गया आपके लिए दूसरा। तो इस तरीके से यहां पर आपने जाना कि आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बात करते हैं जिस टॉपिक पे थे उस पर, क्या हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो मैं एक सवाल ले लेता हूं, इधर देखिए ध्यान से एक सवाल लेता हूं। सवाल यहां पर यह है कि कोई भी आयत बना हुआ है इस तरीके से, एक आयत है और इसमें लंबाई चौड़ाई ले लेता हूं मैं। लंबाई है यहां पर आपके मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है इसकी 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। अब आपके लिए यहां पर आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है 8 और गुणा चौड़ाई है 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 8 × 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आयत का क्षेत्रफल हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप देखिए ये बहुत सिंपल सवाल था, जो कि आपने लंबाई दी थी, चौड़ाई दी थी, आपने निकाल लिया 8 × 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एक ऐसा फिगर बना हुआ है जिसमें आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और ये आपके लिए कैसे निकालना है, देखिए ध्यान से फिगर को, फिगर को देखिए। यहां पर आकृति बना रहा हूं, ये मैंने बनाया, और इसी तरीके से मैंने एक दूसरा बना दिया, ये बना दिया, ये क्षेत्रफल हम इसका निकालेंगे। अब यहां पर देखिए ये जो एक है इसकी लंबाई आपके लिए कितनी है, टोटल मैं निकाल रहा हूं, तो यहां पर टोटल आपके लिए है, ये दी गई है आपके लिए, आपको मान लीजिए 25, कितनी है 25 नहीं, यहां पर आपके लिए 24 मान लेते हैं, ये 24 लंबाई दी गई है, 24 सेंटीमीटर लंबाई। चौड़ाई इधर दी गई है आपके लिए 20 सेंटीमीटर चौड़ाई दी गई है। अब यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, अगर ये 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है, आपके लिए एक रास्ता बनाया गया है।
अंदर ही अंदर एक रेक्टेंगल यानी अंदर अंदर एक छोटा सा आयत बनाया गया है, जिसमें कितनी यहाँ की जो रास्ता है इनका, ये चौड़ाई कितनी है उसकी मैं यहाँ पर फिगर ही बना रहा हूँ। आप देखना, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है इधर, और जब 5 इधर है तो इधर भी है चौड़ा 5 सेंटीमीटर, इधर भी है 5 सेंटीमीटर, इधर भी है 5 सेंटीमीटर, ये है। अब आपके लिए क्या करना है, आपको ये 5 सेंटीमीटर सब जगह दे रखा है, इधर भी 5 सेंटीमीटर है, इधर भी 5 सेंटीमीटर है, इधर भी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, इधर भी है, सब जगह 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई है, और ये बड़ा है एक आयत, ये छोटा है आयत। अब आपसे कहा जाए कि आप दोनों का, यानी जो भी दो फिगर है, यानी दोनों आयतों का, दोनों आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपने बहुत सारे फिगर्स के बारे में समझा होगा, यानी सिंपल आयत का क्षेत्रफल निकाला होगा, लेकिन ऐसा नहीं निकाला होगा कि आपके लिए ऐसा फिगर बनाओ और आपको देख करके यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़े। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले बड़े वाले की, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर बड़े आयत का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? बड़े आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल अगर लिखेंगे तो ये तो सिंपल निकाल सकते हैं, इसकी लंबाई है 24 और चौड़ाई कितनी है 20, 24 गुणे 20, तो 24 गुणे 20 यहाँ पर निकाली है, तो यहाँ पर देखिए गुणा कर देंगे, 2 से 2 चके 8 और 2 दूनी 4 और यहाँ पर एक जीरो है, तो 480 हो गया। कितना हो गया? 480, यानी इसका ये क्षेत्रफल आ गया बड़े वाले का 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब आप कहोगे कि सर इस आयत का, इस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? यही तो बात है, इस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो देखिए, छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल यहां पर लिखेंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल। लेकिन आयत का क्षेत्रफल निकालने से पहले इसकी, इस जो छोटा वाला रेक्टेंगल बन रहा है, इसके लिए लंबाई भी निकालना पड़ेगा। अब लंबाई कैसे निकालोगे? आप ये देखिए ध्यान से, 5 सेंटीमीटर इधर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है दूरी, यानी 5 सेंटीमीटर सब जगह से, तो 5 इधर है 5 इधर है, तो लंबाई में देखो आप, 5 इधर है 5 इधर है, यानी 10 कितनी हो गई? 10, 5 ये और 5 ये, तो लंबाई में कितनी कम हो जाएगी भाई? लंबाई कम हो गई ना इसकी, 5 इधर की कम हो गई 5 इधर की, यानी लंबाई अगर मैं लिखूंगा इसकी, तो लंबाई हो गई आपके लिए 24 माइनस 5 इधर का और 5 इधर का, तो 10 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो यहां पर आपके लिए कितना बचेगा बेटा? तो 14 सेंटीमीटर यहां पर आपका बचेगा लंबाई। लंबाई कितनी बचेगी? 14 सेंटीमीटर। अब देखिए चौड़ाई कितनी बचेगी, यानी विड्थ, चौड़ाई कितनी बचेगी? चौड़ाई आप देखेंगे यहां से यहां तक कितनी है, 5 सेंटीमीटर इधर भी है, इधर भी है, तो यानी 5 इधर भी 10 कम होगी, तो चौड़ाई में भी 10 कम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 20 माइनस 10, यानी 10 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। यही बात सोचनी है आपके लिए फिगर को देख करके कि आप कैसे उसको सवाल को हल करोगे, छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकालोगे। तो देखिए यहां पर हमने लिख लिया लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये लंबाई आ गई हमारी 14 और चौड़ाई हो गई 10, यानी 140 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पर इसका एरिया आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना, ये किसका आया? ये छोटे वाले का आया, और ये बड़े वाले का कितना था? 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे ये कह दे कि क्या ये बता सकते हो कि यहां पर ये जो क्षेत्र है, ये वाला ये जो क्षेत्र है वो कितना होगा, कितने क्षेत्रफल होगा? तो यहां पर आप बता सकते हो, ये जो रास्ता बनाया गया आपके लिए 5 सेंटीमीटर चौड़ा, इसका भी क्षेत्रफल आप बता सकते हो कैसे, घटा करके। तो आप घटा सकते हो एरिया से, 480 में से आप घटा दो 140 को, तो यहां पर 480 लिख लो, माइनस 140, जीरो आ गया, 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 1 गया 3, 340 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है रास्ते का क्षेत्रफल, जो 5 सेंटीमीटर चौड़ा बनाया गया है, इस तरीके से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे सवाल बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, अगर सीख गए तो ऐसे सवालों को आधारित आप जितने भी सवाल होंगे आप कर सकते हो। आप देखिए एक सवाल और लेता हूं मैं, आकृति बनाता हूं। आप देखिए इधर इधर देखिए ध्यान से, यहां पर एक आकृति बनाता हूं बच्चे, दूसरा सवाल, दूसरा एक और बताता हूं। देखिए मैंने ये फिगर बनाया, इसको देखो ध्यान से, ये आयत है, और इसके यहां पर एक छोटा सा और बना दिया, ये यहां पर ये बना दिया आपके लिए एक छोटा सा। अब यहां पर यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, लंबाई में ले रहा हूं यहां पर
25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर की लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है आपके लिए वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। और आपके लिए ये वाली जो लंबाई अंदर की, यहां पर जो रास्ता बनाया गया वो कितना चौड़ा बनाया गया यहां पर, तो मैं यहां पर मानता हूं 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। 2 सेंटीमीटर इधर से, 2 सेंटीमीटर इधर से, 2 सेंटीमीटर ये भी है, सब चौड़ा रास्ता है तो यहां पर हर जगह से 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, चारों तरफ से बनाया गया है, 2 सेंटीमीटर इधर भी होगा। तो ये है आपके लिए, ये फिगर बनाया है। अब आपके लिए अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है या छोटे और बड़े का रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमें बड़े आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालिए, बड़े आयत की लंबाई कितनी है 25, और छोटे आयत की यहां पर ये वाले बड़े आयत की लंबाई और ये चौड़ाई कितनी है 20, 25 × 20 आप इसको गुणा करा दो, 25 × 50 यहां पर हो गया और आपके लिए 0। तो ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये आपका क्षेत्रफल आ गया, कौन सा, बड़े आयत का क्षेत्रफल। अब आप छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालिए, तो लिखेंगे हम छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालने से पहले ये देखिए लंबाई कितनी आ रही है, तो लंबाई लिखेंगे भाई 25 ये है, तो 25 में से कितनी घटेगी, जैसा कि उस सवाल में हमने बताया 2 सेंटीमीटर सब जगह से बनना है तो 2 इधर का और 2 इधर का यानी 4 कम हो जाएगा, तो 25 − 4 आपके लिए बचेगा 21, 21 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरीके से यहां पर देखिए विड्थ कितनी हो जाएगी, तो ये 20 है, 20 में से 4 घटा देंगे तो यहां पर आपके लिए 16 आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। जब 16 सेंटीमीटर आ जाएगा यहां पर 21 आपका बचा, तो आप सिंपली यहां पर आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बड़े आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई आ गई आपके लिए 21 और चौड़ाई आ गई आपके लिए 16। आप गुणा कर लीजिए 21 × 16, तो यहां पर देखिए 6 और ये 12 × 1 का 1 और 1 × 2 6 × 3 और 3, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब आप कहोगे ये जो रास्ता बनाएंगे आइए ये कितना सेंटीमीटर यहां पर रास्ता क्षेत्रफल, इसका कितना क्षेत्रफल होगा रास्ते का, तो आप निकाल लीजिए रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये घटा दीजिए 336 माइनस, कितना आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये वाला है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपको निकाल लेना है। तो 336 − 50 500 यहां पर, तो 500 लिखेंगे, 500 इसका है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके लिए आ गया बड़े आयतन का, यानी बड़े में से आप घटाओगे छोटे को, तो ये हटा देना, 500 लिखना आप, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 336 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अब आप इसको घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4 और यहां पर 9 में से 3 गया 6 और यहां पर बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 164 सेंटीमीटर स्क्वायर का रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आयत में ही बहुत सारे ऐसे फिगर्स हैं आयत में जो कि आपके लिए अलग अलग तरीके से बनते हैं और आप इनको इस तरीके से क्षेत्रफल निकालते हैं, इन पर सवाल भी बहुत सारे आते हैं। तो यहां पर हमने आपको इस वीडियो में बताया कि आयत का क्षेत्रफल सिंपल तरीके से और कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फिगर के द्वारा, वैसे हमने आपको बहुत सारे यहां पर 2 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप इसको सीख लोगे तो ये इन प्रश्नों को आप कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप देखते रहेंगे, हर वीडियो को देखेंगे हमारी वीडियो को, जिसमें आपके लिए मैथ को अच्छा ज्ञान मिलेगा और इसी तरीके से आप कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।